प्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रदान किया जाएगा 20,000 रुपए का वेतन, सीएम जयराम ने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशिक्षित चिकित्सकों का वेतन 20,000 रुपए करने की घोषणा की है। टांडा मेडिकल कॉलेज में SCA की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षित चिकित्सकों का वेतन 17,000 से बढ़कर 20,000 रुपए होगा। सीएम ने कहा कि आने वाला दौर चिकित्सकों के लिए भी चुनौती भरा है, इसकी उन्हें चिंता होती है। पहले चिकित्सकों से यह कहा जाता है कि आकर नौकरी पर नियुक्ति लीजिए, लेकिन अब चिकित्सकों को पढ़ाई के बाद प्रतियोगिता की चुनौती पार करनी होगी। उन्होंने कहा कि सूबे में एक साल में करीब 720 चिकित्सक निकलते हैं। स्वच्छता में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में हिमाचल का चौथा स्थान, पेयजल गुणवत्ता में अव्वल। स्वच्छता में देश भर में 100 से कम शहरी निकायों वाले छोटे राज्य में हिमाचल प्रदेश का 2200 अंकों के साथ चौथा स्थान रहा। त्रिपुरा पहले, झारखंड दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल के अंक 2200 रहे। शिकायत निवारण में शिमला शहर को 400 अंक मिले, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल 335 अंक से अधिक है। वर्ष 2021 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में शिमला 102वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2022 में यह 56वें स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के परिणाम शनिवार को घोषित किए गए। वहीं जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हिमाचल प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रदेश अब पेयजल गुणवत्ता में भी देश भर में प्रथम नंबर पर आया है। पिछले वर्ष भी प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि रविवार को गांधी जयंती 2 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिमाचल को पुरस्कार देंगे। हिमाचल की बेटियों ने रचा इतिहास, कबड्डी में पहली बार जीता गोल्ड। गुजरात के अहमदाबाद में चल रही 36वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के तहत कबड्डी में हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर इतिहास रच दिया है। बेटियों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। टीम की रेडर निधि शर्मा, पुष्पा, साक्षी शर्मा और ज्योति ने जबरदस्त खेल से दर्शकों को प्रभावित किया। शनिवार शाम को हिमाचल का महाराष्ट्र के साथ मुकाबला हुआ। इसमें हिमाचल की टीम ने शुरू से दबदबा बना लिया था। टीम निर्धारित समय तक विपक्षी टीम पर हावी रही और मुकाबले को 27-22 से जीत लिया। इससे पहले सेमीफाइनल में हिमाचल ने हरियाणा को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया था। टीम के कोच संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ब्रांटा और सचिव कृष्ण लाल ने इस संतुलित टीम चुनी, जिसका सार्थक परिणाम सामने आया है। दिवाली पर राशन डिपो में उपभोक्ताओं को आधा किलो अतिरिक्त मिलेगी चीनी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपो में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को दिवाली पर आधा किलो चीनी अतिरिक्त मिलेगी। इससे पहले दिवाली पर प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती थी। इस बार प्रति कार्ड आधा किलो अतिरिक्त चीनी दी जाएगी, जो इसी माह के कोटे में उपभोक्ताओं को मिलेगी। मौजूदा समय में डिपो में प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी मिलती है। गौर हो कि बाजार में चीनी 45 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि डिपो में APL परिवारों को 30, BPL व NFSA परिवारों को 13 रुपये प्रति किलो चीनी मिलती है। हिमाचल में 38 पुलिस अधिकारियों के तबादले, 18 को नियुक्ति। राज्य पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 26 DSP बदले गए हैं। इनके अलावा 18 DSP पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 4 निरीक्षकों को भी पदोन्नत कर DSP नियुक्त किया गया है। बदले गए 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों में सुशील कुमार को सतर्कता ब्यूरो शिमला, विजय कुमार को 6ठी IRB कोलर और अधिक के बारे में आप सभी जानकारी यहाँ पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,923 करोड़ की DPR तैयार। उद्योग, परिवहन व श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने 1,923 करोड़ की DPR तैयार कर ली है। जल्द इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिलाई जाएगी। मंत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद धर्मशाला में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क पर 1,923 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि 923 करोड़ प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। PM नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एम्स पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को हिमाचल आएंगे। नड्डा आज रविवार सुबह ऊना जिला में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
दोपहर के समय हमीरपुर जिला में और शाम को बिलासपुर पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा 3 अक्टूबर को एम्स का निरीक्षण करेंगे और लुहणू में पीएम मोदी के जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। भाजपा चुनाव कार्यालय बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को सुबह ठीक 10 बजे एम्स पहुंच जाएंगे। वहां एम्स और हाइड्रो कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह लुहणू में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रविवार से पहुंचना शुरू हो गया है। एचआरटीसी में चालकों के 250 पद भरने की स्वीकृति, कर्मियों का संशोधित वेतनमान जल्द। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में चालकों के 250 पद भरे जाएंगे। धर्मशाला में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में पदों को भरने की मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक एचआरटीसी 1300 करोड़ के घाटे में है। बीते वित्तीय वर्ष में 133 करोड़ का घाटा हुआ है। इससे कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने में देरी हो रही है। शीघ्र संशोधित वेतनमान कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि संशोधित वेतनमान देने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। शिमला के छराबड़ा में चलती कार पर पलटा सेब से लदा ट्रक, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर शनिवार सुबह 6:30 बजे चलती कार पर सेब से लदा ट्रक पलटने से कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं। हादसे का कारण ट्रक के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। DSP मंगत राम ने बताया कि ढली थाने में मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। DSP ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर ढली थाने से मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। सैलानियों ने निहारा बर्फ से लकदक शिंकुला दर्रा, पर्यटन निगम ने शुरू की डिलक्स बस सेवा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा ने समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा के लिए डिलक्स बस सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को 20 पर्यटकों को लेकर निगम की बस शिंकुला दर्रा पहुंची। पर्यटकों ने शिंकुला में बर्फ के बीच खूब अटखेलियां की। रविवार के लिए 26 सीटें एडवांस में बुक हो गई हैं। आने वाले दिनों में शिंकुला जाने वाले पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। सीमा सड़क संगठन ने इस वर्ष शिंकुला दर्रा रिकॉर्ड समय बहाल किया है। लद्दाख की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के इस दर्रे तक इस वर्ष पहली बार पर्यटन निगम ने बस सेवा शुरू की है। शिंकुला दर्रा के लिए महज 1,000 रुपये प्रति सवारी किराया लिया जा रहा है। हालांकि निगम बारालाचा के लिए भी बस सेवा शुरू कर रहा है। सीएम जयराम बोले, भाजपा 15 अक्टूबर के बाद करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। देवलोक आर्ट एंड क्राफ्ट केंद्र का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि संभवतः 15 अक्टूबर के बाद पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों का एक साथ ऐलान होगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल से विशेष लगाव है। वह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में शामिल होने के लिए आएंगे। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।